जो अलग करते हैं बीवी से प्यार, और बीवी हो जाए बीमार या नाराज और आपका दिल चाह रहा हो कि मटन की हंडी बनाई जाए, और वो कैसे बनाई जाए, कोई मसला नहीं, चैनल को जस्ट ऑन करें हेलो टू हैप्पीनेस और देखिए कि मटन की हंडी कैसे बनती है। और मटन हांडी भी स्पेशल इस हांडी में, क्योंकि ये हांडी मैं लेके आऊँ गुजरात से। और आपको पता है कि हम हमेशा से स्टेनलेस स्टील, नॉन स्टिकिंग पैन और इस तरह की चीज़ों में ही पकाते रहते हैं, जबकि मेरी मदर हमेशा मुझे कहती थी कि मिट्टी की जो हांडी होती है उसके अंदर जब आप कोई गोश्त पकाते हैं तो आप उसकी लज्जत और उसका जायका ही मुख्तलिफ होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं भी करने जा रहा हूँ और मैं आपको सही वाला फीडबैक दूंगा कि इसके बाद किस तरह की हमारी हांडी बनती है। तो रहिए मेरे साथ एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया मटन, और इसमें मैंने दस्ती और चाम का गोश्त लिया। अब हम इसको धो लेते हैं, गोश्त तो उसका कर लिया, बिकॉज़ हम लोग दोनों दो लोग ही हैं जिनके लिए मैंने अभी ये मटन हांडी बनानी है, तो दो लोगों के लिए आई थिंक ये इनफ है। इसमें अंदर मैं थोड़े शोरबे वाली हांडी बनाने लगूँ। तो अगर आपके पास टाइम कम हो, जैसे कि मेरे पास अभी कम टाइम है, 1 घंटा सिर्फ रह गया और मेरे वो कज़न आने वाले हैं, तो फटाफट आप कुकर के अंदर पहले से इसको बॉईल कर लें थोड़ी देर के लिए। हमको 15 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेते हैं ताकि हम बाद में हमें आसानी के साथ जल्दी जल्दी हमारी हांडी तैयार हो जाए। अब दोस्तों, कोई 10 मिनट के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया है और अब मैं आपको दिखाने लगूँगा। ये देखें, कुछ हद तक गोश्त जो है गल गया, बाकी का जो है ये हांडी के बीच में पकेगा। थोड़ा तेल डाल रहे हैं सबसे पहले। तेल मैं ज़्यादा अपनी हांडियों में नहीं डालता, हमेशा मैं बहुत कम तेल का इस्तेमाल करता हूँ। इतना कर लेंगे जिसमें आपका गोश्त इस तरीके से भून जाए। तो हमने प्याज 2 काटे हुए थे, सबसे पहले मैं हांडी के अंदर वो ये प्याज डाल रहा हूँ और इनको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगा, ठीक है जी, जैसे आप हमेशा करते हैं। ये थोड़ा सा हो जाए लाइट ब्राउन, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, प्याज थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट और इसके अलावा अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ और हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि ये भी मिक्स हो जाए, थोड़ा थोड़ा आंच से पकता रहे। पेस्ट डाल देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 2 टमाटर का मैंने ग्राइंड कर दिया था। अरे मैं ज़्यादा बाजारी मसाले बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ आपको थोड़ा चटखारा या थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर तो आता है, लेकिन उसके साथ आपका अक्सर औकात मैदा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एंटी एसिड्स और इस तरह की चीज़ें बिकती हैं। अच्छा जी, मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है मैंने हल्दी ले ली है, और मुझे ये वाली खड़ी मिर्चें बड़ी पसंद हैं तो मैं ये डाल दूँ इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये देखें कलर कैसा आ रहा है, कितना अच्छा कलर आ रहा है, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब ये मसाला बस 2 मिनट में बन जाएगा और उसके बाद फिर हम गोश्त को इसके अंदर डाल के भुनेंगे। नहीं जनाब, अब मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर गोश्त को, जो हमने कुकर में पहले से थोड़ा गाल लिया हुआ था, तो इसको हम डाल के तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे इस मसाले के अंदर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गोश्त तो मैंने भून लिया है मसाले के अंदर। अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसको मज़ीद गालने के लिए, इसके अंदर जो इसकी यखनी थी। बस, और इसके साथ ही मैं 1 सब्ज़ मिर्च यूँ अंदर फेंक देता हूँ। मैं कभी सब्ज़ मिर्च को काट के नहीं फेंकता, मैं इसके अंदर ऐसे ही करता हूँ। इसका बड़ा ज़बरदस्त दम का फ्लेवर आता है जो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम इसको बिल्कुल बंद करके रख देते हैं जनाब इससे, और 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मीनवाइल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी बनाऊँगा पुदीने की चटनी मिंट की, और मेरे लॉन में जो मिंट लगा हुआ है। नहीं दोस्तों, अब हमारी हांडी गई है बंद। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल रहे हैं, कोरिएंडर इज माय फेवरेट, और इसको हम बंद कर रहे हैं। बेहतरीन अब बन गई हुई है, कितना प्यारा मसाला बना है इसका। लें जनाब, मेहमान भी आ गए हैं और हमारी मटन हांडी बिल्कुल तैयार है। इसकी चेक करें लुक,
अब मैं अभी थोड़ी देर तक आपको फीडबैक देता हूँ ये है कैसा। तो जनाब ये थी मेरी मटन हांडी जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसका 100% आपको ट्रू फीडबैक दूंगा और ये बड़ा बेहतरीन गोश्त गल गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर लगी है इसको गलते हुए, लेकिन टेस्ट वाज ऑसम और नमक मिर्च ऐसा प्रॉपर था। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस डेवलप हो गया हुआ है। और बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं हमेशा खाना जब भी बनाता था तो मैं अपनी मदर के लिए बनाता था और ये सारा कुछ मुझे सिखाया मेरी मदर नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब भी मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके लिए कोई डिफरेंट चीज़ें बनाता था, पास्ता, मटन, चिकन, और उनको फिर जब मैं सर्व करता था तो वो जब वो ये कहती थी कि तुम्हें कितनी चीज़ें बनाना आ गई हुई हैं, तो वो मेरे लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो था वो वही था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने का ऑब्जेक्टिव मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ सर्व करते हैं, कोई मेहमान के साथ गपशप लगाते हैं, तो हमेशा उसे ये होता है कि आपकी एक एंगेजमेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है और आपको बड़ा अच्छा लगता है। और छोटी छोटी चीज़ों में ही हमेशा खुशियाँ छुपी होती हैं। तो अगर मेरी चीज़ें, मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई चैनल हेलो टू हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।